तो हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस, मैंने आपको बताया था कल कि आज जो है इवेंट का आखिरी डे है, तो आपके पास जितने भी इवेंट आइटम्स हैं तो आप लोग एक्सचेंज कर सकते हो। वैसे तो मंडे तक है, आप लोग मंडे में भी एक्सचेंज कर सकते हो, पर आज के बाद आपको जो मिलना है इवेंट आइटम्स वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, कि जब मैंने पिछले वाला वीडियो अपलोड किया था तो कई लोगों ने कहा था कि भाई हम लोग ए सर्वर से हैं, तो एस सर्वर के कुछ R2 पोकेमोन हमें दिखा दो, ज़्यादा नहीं, थोड़े से रैंडम वाले हमले को दिखा दो, जैसे कि चारिजार, ब्लास्टोइज या फिर उनके जो R2 मूव्स है वो हमें दिखा दो। तो गाइस, यहाँ पर मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा R2 मूव है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पोकेमोन नया लिया है, तो ये फेटर्स के लिए है, मेरे को इसको मेगा करना है, तो ये इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली डबल एस आर पोकेमोन है और सिर्फ दो ही जरिए से मिल सकता है, एक तो है सर्ट एक्सचेंज और दूसरा है स्टोर। तो इसको देखते हैं भाई R2 में कैसा दिखता है। ठीक ठाक दिखता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्लेजिंग पाउडर होते हैं ना वो फेंक रहा है, शायद ऐसा लग रहा है। तो इसके R2 मूव देखते हैं, मेरे को हर पोकेमोन का R2 मूव देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक अच्छा मूव मेरे को देखने को मिला है, वो है लीच सीड। तो लीच सीड बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मूव है और बहुत ही बेहतरीन मूव है अगर आपको उसे ठीक से इस्तेमाल करना आता है। तो भाई देखते हैं कि R2 मूव क्या है। देखो, R2 मूव है बिल्कुल स्नोलेक्स R2 जैसा जो मूव था, वैसे ही जो 2 स्टेज जो है आपका डिफेंस बढ़ा देगा। तो भाई ओवरऑल देखें तो ये पोकेमॉन टीम में रख लेना एक है नहीं, पर ये फेटर्स में तो इसको लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं लेता। फिर भी देखते हैं भाई क्या करता है ये पोकेमॉन, इसको मेगा बनाना पड़ेगा अगर मेरे को ज़्यादा पावर चाहिए। तो यहाँ पर एक वॉली सीड दिया गया, ये ज़्यादा बेहतर मूव है, सब्स्टिट्यूट गेम में है ही नहीं, जब तक वो लोग ऐड नहीं करते हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा ये मूव। देखते हैं कभी से मेगा करेंगे। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन, शुरुआत के सारे R2 दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे तो अगर सारे R2 दिखाना चाहूँगा तो वीडियो ख़त्म हो जाएगा, पर R2 शायद ख़त्म होने पॉसिबल नहीं है, तो अपडेट में आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। पर मैं कुछ पोकेमोन दिखा देता हूँ, उनके कुछ R2 मूव्स बता देता हूँ और किस किस में अच्छा एबिलिटी है, किस में नहीं बताते। चारिज़ार्ड में कोई R2 मूव देखने को नहीं मिलेगा और ना ही कोई R2 एबिलिटी। हाँ, एलॉय चारिज़ार्ड में आपको R2 मूव देखने को मिलेगा बेहतरीन, और एबिलिटी भी उसका बेहतरीन है R2 एबिलिटी, जहाँ पर एक सुपर एलॉय एबिलिटी शायद कुछ मिलता है आपको वहाँ पर, तो वो बेहतर है। और विनसॉर में आपको कोई R2 मूव देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर एक अच्छा एबिलिटी है इसके पास जिससे ये सोता नहीं है, तो वो एबिलिटी अच्छा है। सेप्टाइल में आपको कोई R2 मूव देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई बेहतर एबिलिटी। ओवरऑल सेप्टाइल अच्छा है, अगर अगेंस्ट बैटल किया जाए सोफर्ड के तो अच्छा है। ब्लेजिकेन में आपको बहुत ही बेहतर एबिलिटी देखने को मिलेगा, पर कोई R2 मूव है नहीं। ब्लेजिकेन के पास स्पीड बूस्ट एबिलिटी, हर टर्न स्पीड बूस्ट होता रहता है। स्वम्पर टोटली कम्प्लीट पोकेमॉन R2 मूव है और बेहतरीन R2 एबिलिटी, मोल्ड ब्रेकर एबिलिटी मोन के पास, तो ये मोल्ड ब्रेकर एबिलिटीज बहुत ही बेहतरीन मूव, अगर एबिलिटी देखा जाए तो सारे एबिलिटीज़ को तोड़ता है। पिजियोट के पास ज़्यादा कोई अच्छा मूव नहीं है और एबिलिटीज़ थोड़े से लैक कम। बी ड्रिल स्पीड में बहुत ही अच्छा और मूव्स नॉक ऑफ है तो चलेगा, लेकिन ऑटो मूव नहीं है और बेहतरीन एबिलिटी भी नहीं है। गेंगार के पास ऑटो मूव नहीं है पर साइड अटैक अच्छा एबिलिटी है। सीजोर के पास कोई R2 एबिलिटी नहीं है पर ऑटो मूव ज़रूर है मेटल कट, तो सिर्फ क्रिटिकल हिट का रेशियो है, ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। एम्फ्रेस के पास भी कोई R2 मूव नहीं है और ना ही कोई R2 एबिलिटी। हॉर्नडूम के पास भी कोई R2 एबिलिटी नहीं है, ना ही कोई R2 मूव, तो वहाँ भी नहीं है। गार्डीवायर पर ज़रूर एक R2 एबिलिटी, आपको एक R2 मूव देखने को मिलेगा। और एबिलिटीज़ की बात की जाए तो इतनी खास एबिलिटी नहीं है इसके पास। हाँ, पर दूसरे वाले के पास जो R2 मूव है बहुत ही बेहतर है, दूसरा टाइप जो गार्डीवायर का है। स्लैकिंग के पास भी कोई R2 मूव नहीं है और ना ही कोई R2 एबिलिटी, तो ये भी पोकेमॉन थोड़ा सा लैक कर रहा है। एग्रोन के पास भी कुछ है नहीं दिया गया अच्छा। हाँ, इसके पास रिकॉयल एबिलिटी है जिससे ये जो रिकॉयलिंग मूव्स के डैमेज नहीं लेता, पर ज़्यादा अच्छा नहीं है। माइलोटिक के पास भी कोई R2 मूव नहीं है, ना ही R2 एबिलिटी, पर इसका दूसरा वर्जन है जो दूसरा नया ऐड किया गया, वहाँ पर आपको R2 मूव देखने को मिलेगा और एबिलिटी भी ठीक ठाक है वहाँ पर। एलिगेंट वाले में तो भाई सबसे बेहतर है। एप्सोल में भी आपको कोई ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, ना ही एबिलिटी ना ही मूव। स्टीलिंग में भी आपको कोई R2 एबिलिटी नहीं मूव देखने को मिलेगा, ना ही एरोडैक्टिल पर। स्नोरलैक्स XY दोनों या फिर फायर सब में आपको R2 मूव एंड R2 एबिलिटी देखने को मिलेंगे। आर्टिकूनो में कुछ नहीं देखने मिलेगा। हाँ, जैपडोस में ज़रूर आपको R2 मूव R2 एबिलिटी देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा मूव है, पैरालिसिस डालता है आपको, ऊपर से एक R2 एबिलिटी भी अच्छा है। मोल्ट्रेस में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना ही एबिलिटी ना ही मूव। ड्रैगोनाइट में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा,
राइको में भी नहीं मिलेगा गाइस, एंटी के पास भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है ब्लास्ट बर्न, कोई भी ऑटो मूव नहीं है, ये एक नॉर्मल मूव है, तो एंटे में भी आपको नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेट है। बहुत अच्छा दिखता है पोकेमोन अगर देखा जाए तो ऑटो में। सुईकून एक्स वाई दोनों के पास आपको ऑटो मूव एंड ऑटो एबिलिटी देखने मिलेगा, वाटर एब्जॉर्ब जैसा एबिलिटी है इसके पास, तो वो बेहतर दिखा जाएगा। तो टरेंटोर के पास दोनों तीनों आई मीन चारों के पास पांचों के पास वही है ऑटो मूव ऑटो एबिलिटी। सेलेमेंस के पास एक्स वाई दोनों के पास है ऑटो मूव ऑटो एबिलिटी, तो अच्छा एक पोकेमोन देखा जाए तो। स्पीड बढ़ाता है टर्न बाय टर्न और मैक्सिमम जो एबिलिटी है मैक्स से, तो वो हर नॉकआउट के बाद एक एक अटैक बूस्ट करता रहता है, तो अच्छा है। मेटाक्रॉस के पास कुछ नहीं मिलेगा, ना ही ऑटो मूव ना ही ऑटो एबिलिटी। ये पोकेमोन थोड़े से ऑटो मूव तीन इनको ज़रूरी हैं। हाँ, आपको इन पोकेमोन में जरूर लेटियोस और इस सब में आपको मिल जाएगा ऑटो मूव्स, और एबिलिटीज इतने खास नहीं पर मिलेगा ऑटो मूव ज़रूर यहाँ पर, दोनों पर मिलेगा आपको मेल और फीमेल दोनों वाले में। डिऑक्सिस के पास भी ऑटो मूव है और एलॉय के पास बेहतरीन है ऑटो मूव ऑटो एबिलिटी, दोनों उसके पास बहुत ही बेहतरीन है। और वाई के पास भी एक ऑटो मूव है पर मैं एलॉय ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गार्चोंब एक्स के पास, वाई, जेड सबके पास ऑटो मूव है ऑटो एबिलिटीज़ है। लुकारियो एक्स वाई जेड सबके पास ऑटो मूव ऑटो एबिलिटीज़ है और अच्छा पोकेमोन, फोर कोड एबिलिटी है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखने मिलेगा इस पोकेमोन पर, ये एक दो ट्रेनर्स के पास, ये डार्करा के पास हर टाइप के पास आपको ऑटो मूव ऑटो एबिलिटी देखने को मिलेगा। डार्करा दिया गेम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है डार्करा यूज़र्स को। लूगिया और म्यूटू, म्यूटू के सारे वर्जन के पास ऑटो मूव्स है अदर देन वो जो फाइटिंग टाइप है, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, पर ऑटो एबिलिटी सबके पास है। लूगिया इसके पास भी है ऑटो मूव्स ऑटो एबिलिटी, सारे इसके जो हैं टाइप उन सबके पास है। एबिलिटीज़ का तो ठीक से पता नहीं क्योंकि मेरे पास ऑटो है नहीं इसका, पर मूव्स भाई सबके पास ऑटो मूव है लूगिया के। हो ओ इसके पास बेहतरीन ऑटो मूव्स ऑटो एबिलिटीज़, तो ठीक ठाक ही है ये पोकेमोन भी अगर देखा जाए तो, कंपैरिजन अगर किसी भी दूसरे रैंडम पोकेमोन से देखा जाए चारिज़ार्ड से, तो हाँ भाई ठीक ठाक ही है। कायोग्रे, कायोग्रे के भाई भाई इसके पास भी अच्छा सा एक ऑटो मूव और ऑटो एबिलिटी है। इसका जो ऑटो एबिलिटी है जिसमें फायर मूव सारे नलिफाइज हो जाते, कोई फायर मूव काम ही नहीं करता। और ग्रोडोन एक्स आर टू, एक्स वाई जेड सबके पास ऑटो मूव है ऑटो एबिलिटी है, और सबसे कॉमन एबिलिटी इसका है डेजोलेट लैंड, कोई भी वाटर टाइप मूव काम नहीं करे। रिक्वाजा के पास भी बहुत सारे सबके पास ऑटो मूव ऑटो एबिलिटीज़ हैं, और एक्स वाले के पास तो भाई जो एबिलिटी है जिसमें कोई भी इफेक्ट वेदर काम नहीं करेगा, तो ये बेहतर एक एबिलिटी है। डियाल्गा एक्स वाई जेड सबके पास है ऑटो मूव ऑटो एबिलिटी, और सबसे बेहतरीन एबिलिटी दो ही है, लेविटेट है या फिर हो अडेप्टिबिलिटी। पालकिया के पास भी दोनों के पास जो है, तीनों के पास जो है बेहतरीन ऑटो मूव्स है जिसे अटैक स्पेशल अटैक बूस्ट होता है और अडेप्टिबिलिटी है इसके पास। और रेजिगियस के पास आयरन फिस्ट है और ऑटो मूव भी थोड़ा सा चलेगा बेहतरी है। जिरोटीना के पास भाई बहुत ही बेहतरीन ऑटो मूव, एच बी भी रिकवर को हो जाता है प्लस अटैक बूस्ट भी हो जाता है, और देखा जाए तो भाई बहुत ही सही है डिफेंस टाइप पोकेमोन, ऊपर से अटैक भाई बहुत ही कति जहर है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, एक्चुअली मैं सारे पोकेमोन तो दिखा नहीं सकता पर आरकेएस दिखा देता हूँ। ऑटो मूव है, ऑटो एबिलिटीज़ भी है, पर ऑटो मूव इतना खास नहीं देखा जाए तो गॉड्स ग्लोरी, पर फिर भी इट सही है। ये पोकेमोन ऑटो में ज़्यादा बेहतर है नहीं पर फिर भी अननॉर्म एबिलिटी के साथ कतई जहर है। राइजो के साथ कोई नहीं है, ना ही ऑटो मूव ना ही ऑटो एबिलिटी, तो गाइस सारे पोकेमोन्स के तो मैं एक ही वीडियो में डाल नहीं सकता, तो कुछ कुछ वीडियोस में ज़रूर डाल दूंगा जबकि जो जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। अलकाज़ाम के पास कुछ भी नहीं है, ना ही ऑटो मूव ना ही एबिलिटी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।